तो हेलो मैं ऋषिकांत कुमार बोल रहा हूँ वार्ड नंबर पाँच के आंगनबाड़ी केंद्र देखिए बहुत स्थिति गंभीर है और सब जगह के वार्ड नंबर सब जगह के आंगनबाड़ी केंद्र बहुत ही अच्छा स्थिति में है और यहाँ तक के आंगनबाड़ी का कोई निजी ज़मीन भी नहीं है जहाँ तक होना चाहिए कि आंगनबाड़ी के निजी जमीन में नहीं बल्कि वह सरकारी ज़मीन में होना चाहिए अतः यह आंगनबाड़ी में एल्बेस्टर रखा हुआ है अतः उसको एक पक्का मकान होना चाहिए देखिए यह आंगनबाड़ी के बहुत स्थिति गंभीर है मैं यह फोटो दिखाकर यह कहना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी का एक निजी ज़मीन और यह एक बहुत अच्छा स्थिति होना चाहिए अतः आंगनबाड़ी ठीक हो न होने के कारण यह दर्शाया जाता है कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा हो सकता है अतः जिस गांव का प्रारंभिक शिक्षा ही ठीक नहीं हो सकता उस गांव के क्या कल्पना कर सकते हैं अतः यह आंगनबाड़ी केंद्र का बहुत स्थिति गंभीर है और यहाँ देखिए कुछ स्टूडेंट भी लोग आए हुए हैं अतः यह देखिए लेकिन यह आंगनबाड़ी केंद्र अपना ज़मीन में नहीं है यह निजी ज़मीन में है जो राजकुमार सिंह के ज़मीन में है अतः यह आंगनबाड़ी केंद्र का स्थिति कम भी है हाँ मैडम जी आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ निजी जमीन में है ना अब इसमें कुछ बता सकते हैं ठीक है तो अच्छा इसके लिए कोई योजना या कोई फंड नहीं बताया गया है जो सरकारी जमीन में होना चाहिए होना चाहिए सरकार हम लोग ना हाँ तो आप अपने नहीं पता है कि सरकारी जमीन किधर है क्या है अच्छा तो वार्ड नंबर ही, लोगों बताएं। मेंबर ही बताना चाहिए हाँ ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है लेकिन देखिए कहीं ना कहीं रूप से यह गड़बड़ है और आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी जमीन में ही होना चाहिए अच्छा देखिए कुछ ग्रामीण व्यक्ति भी है इससे मैं आपको मुलाकात करवाना चाहता हूँ हाँ बताइए सरकारी जमीन में आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए ना हाँ सरकारी जमीन में ही होना चाहिए लेकिन यह आंगनबाड़ी केंद्र निजी जमीन में है इसके पर आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए जैसे वार्ड और मुखिया जिम्मेवार हैं ठीक है काम है जैसे जनप्रतिनिधि हाँ काम है जो इस पर जैसे विशेष रूप से ठीक है, तो, हाँ, है, 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 है तो मर्स करके इसको जो उचित कार्रवाई की ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो देखिए यह मैं दिखा कर यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम गांव का प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक होना चाहिए शिक्षा के बिना गांव का विकास नहीं हो सकता है यह बात सत्य चीज़ है अतः हम सरकार और मुखिया से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जे आंगनबाड़ी केंद्र को सरकारी जमीन में बनवाया जाए और उसको सही रूप से संचालन किया जाए ठीक है यह वीडियो आपका कैसा लगा यह प्रयास के लिए धन्यवाद थैंक यू